ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योगी सरकार के 3 साल पूरा हो चुके हैं। योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह ने की खास बातचीत, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और 3 साल में सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाह रही। बड़े स्तर पर जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, जैसे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने की बात हो, जिस तरीके से रोडों का जाल बिछाया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी बात हो, उन सभी संदेश को बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है। और स्वास्थ्य विभाग में 3 साल में किस तरीके से काम हुए, कौन कौन से मजबूत काम हुए हैं, उन पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 3 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, इन 3 सालों को किस तरीके से आप देखते हैं और किस चीज को अपने विभाग की आप सबसे ज्यादा मजबूत पिलर मानते हैं कि इन 3 सालों में स्वास्थ्य विभाग ने वो किया जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा था? एक तो जो आपने स्वयं ही अपने उद्बोधन में बोला कि जो आवश्यक चीज से उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता लेने के लिए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने वो सारी चीज़ें की। किसानों की समस्या हल करना, चाहे उनका कर्जा माफ़ करना, चाहे उनके और उनको आत्मनिर्भर करने के लिए उनको बहुत सारे योजनाएं बना के देना, या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें आज हमको लगता है लंबे समय से कभी कोई इसमें नहीं हुआ है, वो सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था, सड़कों का जाल और बिजली का आपूर्ति, ये तीनों को एक साथ लेके उन्होंने बड़े पैमाने पर इस पर बजट देके और इसको आगे बढ़ाया। आज तीनों चीज़ हम मानते हैं कि काफ़ी अच्छे उसमें संकेत आए हैं और जिसके वजह से समय समय पर 3 बार इन्वेस्टर समिट, 2 बार इन्वेस्टर समिट, 1 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और 1 बार अभी डिफेंस एक्सपो हुआ, जिस तीनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो कई ऐसे उद्योग अब अपना मन भी बना लिए हैं, MOU भी किए हैं और अपने उद्योग को जगह जगह पर लैंड बैंक जहां हम लोग ने तैयार किया वहां पर लगाने अपना तैयारी भी कर लिए हैं। और इस तरह मिला के हमारे सभी विभाग में, एक विभाग और हम बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग है, प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए भी अभी जो नई योजना आया है CSR से हम लोग फंड ले रहे हैं, उनमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनके शिक्षक को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को जूता मोजा स्वेटर बैग हर चीज़ उपलब्ध करा के, मिड डे मील पहले से ही चल रहा था, उन सबको ठीक से संचालित करते हुए स्कूलों में हमका काफ़ी हमको परिवर्तन भी नज़र आया और बहुत सारे बच्चे जो पहले निजी स्कूल में जाते थे अब वो हमारे प्राइमरी स्कूल में भी जाना शुरू किए। और इसी तरह नकल विहीन परीक्षा हमारे माध्यमिक में, CBSE नेटवर्क क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम को सही करना, समय के अंदर करना, यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल एक समयबद्ध उसका कार्यक्रम करना, माध्यमिक में भी समयबद्ध कार्यक्रम एग्जाम का करके उसी के अंदर उसका मूल्यांकन करके उसको एक निश्चित समय के अंदर उसका घोषणा करना, ये सारी चीज़ें और हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश से काम किया है और मुख्यमंत्री योगी नाथ की नज़र हर एक सेक्टर में रहता है। सबसे बड़ा योजना हम लोग का इस समय इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक्टिव करना और इस जन आरोग्य मेला के माध्यम से हम पूरा अपना विश्वास कायम कर रहे हैं, जिससे झोला डॉक्टर भी और धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे या वहाँ लोग उनके ऊपर विश्वास करना कम कर देंगे और हमारे सेवाओं पर विश्वास करेंगे। बिल्कुल, झोला डॉक्टर एक बड़ी समस्या रही। सर, अंतिम सवाल है केवल कि जो आपने विधानसभा में इस बात को भी छेड़ा था कि आप लोग योजनाएं बड़े स्तर पर ला रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर योजनाओं पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और भीड़ जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उतने अच्छे से क्वालिटी योजना उनके पास नहीं पहुँच पाती, उस पर भी कुछ आप लोग प्लान अभी बना रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल को, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर? ये समय समय पर हमने देखा है कि विधानसभा में प्रश्न कई बार आ चुके हैं और ये सवाल होता है कि साहब 1950 का जो ये जनसंख्या नीति है ये बहुत ज़्यादा कारगर हो नहीं सकता है और इस पर क्या बदलाव हम ला सकते हैं, इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो हमने जवाब में ये ज़रूर कहा था कि इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं लाल किला से इस बात को चिंता की थी और उन्होंने बताया था कि समय आ गया कि हम इस पर विचार करेंगे गंभीरता से। तो मैंने इस बात को जरूर रखा था कि इस पर हम पूरा इसका एक स्टडी करेंगे, पुराने कई पॉलिसीज बने हुए उनको निकाल के देखेंगे और जो अन्य प्रदेशों में कहीं कहीं पर
पंचायती चुनाव में इस तरह की समावता व्यवस्था है कि दो बच्चे से अधिक वाले इन पंचायती चुनाव में नहीं शामिल हो पाएंगे या नौकरी नहीं पाएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, ये इसका पूरा सूचना आकलन करके फिर हम भी इसमें एक नए तरह का प्रस्ताव बनाने का प्रयास में करेंगे जल्दी से जल्दी। मतलब माना जा सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी कुछ नया ला सकती है। जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ ऑन इंडिया से बात करने के लिए। ये थे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, जिनका साफ ही कहना था कि तीन साल में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है वो पूरी तरीके से ट्रैक पर है, हर चीज क्वालिटी के तौर पर की गई, और सबसे बड़ी चीज जिस विभाग को वो खुद संभाल रहे हैं लगातार उनमें सभी योजनाओं का जो रिजल्ट है, जो पूरी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और एक एक योजना पूरी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं विक्रम राठौर, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।